चैत्र नवरात्रि का दिन है आज, और इस वक्त हम झंडे वाले मंदिर में मौजूद हैं और कहते हैं कि आज कालरात्रि जी की पूजा की जाती है, बहुत शक्तिशाली होती है इनकी पूजा करने से। हमारे साथ पंडित जी विनोद जी हैं यहाँ पर मौजूद, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन के क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, क्या कुछ महत्व है, किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा की पूरी विधि क्या कुछ है। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, किस तरह से लोग पूजा पाठ करें, क्या कुछ विधि है आज की। बासंती की नवरात्रा का दिन है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम जन्म घंटेति कुष्माणीति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति जह सप्तमम कालरात्रि। आज माँ का स्वरूप कालरात्रि का स्वरूप का अर्चन पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम गणपति भगवान, गणपति का अर्चन पूजन करते हैं, जो आपके जीवन में कष्ट हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाए। श्री का पूजन करो, माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, माँ लक्ष्मी का पूजन करो, ओंकार का पूजन करो। ओंकार ब्रह्म विष्णु महेश तीनों देवों का पूजन किया जाता है, कलश का पूजन किया जाता है, षोड़श मातृ का पूजन, वास्तु का पूजन, चौसठ योगिनी का पूजन, क्षेत्रपाल का, नवग्रह का। नवग्रह सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, बुध बुद्धि है, बृहस्पति वाणी है, शुक्र ताकत है और शनि वायु है। जो नवग्रह आपके आपके शरीर में विद्यमान है उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात माँ कालरात्रि का आवन किया जाता है, उनसे प्रार्थना करते हैं और आवन कर करके उनको गंगा जल से उनका स्नान किया जाता है, पंचामृत से उनका स्नान कर करके, वस्त्रों से अलंकृत कर कर करके, गंध अक्षत पुष्प माला धूप दीप नैवेद्य से निवेदित कर करके, आज के दिन जो भी भक्त गुड़ की खीर बना करके माँ को अर्पण करे तो माँ प्रसन्न हो जाती है। पंडित जी यानी गुड़ की खीर बनाकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं हम, और भी क्या कुछ उनको भोग लगा सकते हैं, क्या कुछ उनको चढ़ाया जा सकता है, और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, कहते हैं कि जो भी भगवान से मांगते हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, तो इस मंदिर की विशेषताएं क्या है, क्या कुछ मान्यता है। देखो आदि शक्ति माँ झंडे वाले यहाँ जो भी भक्तजन अपने मुरादे लेकर के यहाँ आता है उनकी ये मुरादे यहाँ पूर्ण हो जाती है। ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो अनेकों जगहों से देश विदेश से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और माँ से आज जितने भी झंडे वाले मंदिर में हैं, माँ कालरात्रि का दर्शन करने के लिए आए हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, मुहर बार बार करते हैं कि हे माँ, जो भी हमारे भक्तजन यहाँ पे दर्शन करने आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी जो भी कष्ट बाधा है वो दूर हो जाए, उनके जीवन में बस वो जीवन उनका उज्जवल हो जाए, ये कामना करके माँ से प्रार्थना करते हैं। जय माँ झंडे वाले। जय माँ झंडे वाले। पंडित जी एक सवाल आपसे और है, वो ये है कि कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, किस मंत्र से बहुत शक्तिशाली होता है, हालांकि सारे मंत्र बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कौन सा मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है जिससे बुद्धि का विकास हो, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको उसमें लाभ मिले, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको उसमें लाभ मिले। देखो नवरात्रों में जो नौ दिन हैं, माँ का जो भी अर्चन पूजन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर क्या है कि देखो लोग सप्तशती का पाठ भी करते हैं, दूसरा कि बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो माँ कहती है यम यम चंद्रते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अगर माँ का आपने स्मरण भी कर दिया है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विशेषता बत या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इनका आप जाप करें और निश्चित ही उनका उनकी बुद्धि का विकास होगा। जय माँ झंडे वाली। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ पंडित जी विनोद जी थे, जिनसे हमने कई चीज़ों को लेकर कई सवाल किए कि किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं होती है, पंडित जी ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरा पर्सन लल्लन के साथ मैं रूपांशी मिश्रा झंडे वाले मंदिर से।